मतलब कि उसको बाहर ज्यादा जाने से, मतलब बाहर जा क्या जाइएगा, जैसे मतलब घर छोड़ के जा रहे हैं आप, परिवार छोड़ दे रहे हैं आप, समझ तो लीजिए। अगर रहा है कि यहाँ पे प्रवासी मजदूर जो है जो वापस यहाँ आए हैं वो कर लेंगे, उनमें से 70% लोग खेती के साथ जुड़े हैं। हाँ 70% संजय मेहता आपके प्रत्याशी। हाँ संजय मेहता जी हैं, और संजय मेहता जी ही यहाँ से विष्णुगढ़ जो प्रखंड है वहाँ से लीड करेंगे। बोल रहे हैं कि पूरा एकदम जीवी केसेस, जीवी केसेस हैं। जोहार सर, आपका जोहार जोहार, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार है। हाँ देखिए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर निज वाला आया है। हमारी पार्टी जीत रही है और हम लोग फुल बहुमत से जीत रहे हैं। अब रह गया आपका बीजेपी का बात। देखिए 10 साल में हवा हवाई का काम किया नेताजी, कोई काम नहीं किया। शुरू में बोला कि दोस्तों माता बहनों आप लोगों के खाता में 15-15 लाख भेज दूंगा, 15 रुपया भी नहीं दिया। हर एक चीज में जीएसटी से रॉयल्टी से लेकर के देश का जनता पूरा त्राही त्राही हो गया। ए बाबू एक मिनट इसको बंद कर दो, थोड़ा सा देश का जनता त्राही त्राही हो गया। इस बार देख लिया, अगर देश को बचा सकता है तो कांग्रेस। आप कहिए कि जेबी केसेस, जेबी केसेस का वोट वास्तविकों में है, लेकिन जहाँ जहाँ मास्टर है बस वहीं में, जैसे अवैसी का आता है ना, अवैसी जो है पतंग छापला, जहाँ मियाँ लोग जाएगा तहाँ धकेजड़ के दे देगा, वही टाइप में हमारा मास्टर बोलना अवैसी होगी, अवैसी है। हम ये जो बोले महतो का, ये जो पार्टी बोला की बात, हम इस पर बात बोलना चाहते हैं कि महतो का पार्टी नहीं, ये झारखंड की पार्टी है। अब बोलते हैं इसमें तो इखलाक अंसारी को धनबाद से सीट नहीं दिया जाता, और जो चतरा सिंहभूम तरफ से खड़ा हुए हैं वो आदि श्री दामोदर दीपक गुप्ता चतरा से खड़े हुए, दीपक दामोदर सिंह हादसा खड़ा हुए हैं। तो इस बात को रखा जाएगा कि झारखंड का जो जेबी केसेस पार्टी चालू हुआ है वो जेबी केसेस का पार्टी, मतलब कोई महतो या कोई जातिवाद के खिलाफ है। साफ साफ कि भाई आप लोग का पार्टी खाली महतो के, उनके टैग लगाने से क्या होता है? जो अगर हम कैंडिडेट नहीं देते तब ना बोलना था। समुदाय से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हर एक जात बिरादरी से यहाँ जानते हैं। इसमें महतो को ज्यादा, जैसे मुस्लिम का वोट आपका कांग्रेस में फूल आ रहा है, आदिवासी का फूल आ रहा है, बाकी बात जनरल वोट भी मिल रहा है। यहाँ हम सब जब फूले फूल आ रहा है तो फूल को क्या जा रहा है? आप बताइए, हम पकड़े हजारीबाग लोकसभा में ये तो बोल दिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मीडिया वाला 1.5 लाख का अंतराल है, 2 लाख का देख लीजिएगा। 4 जून को आप देख लीजिएगा जिसकी निकल आएगा, और कांग्रेस 60 साल राज के देश में। हम पूछना चाहते हैं आज कश्मीर का मुद्दा था 370 धारा किसने हटाया? मोदी जी के सरकार में आए मोदी जी उस पर पहल किए, 370 से किसका लाभ हुआ ये भी हम पूछना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जो है हम उससे पूछना चाहते हैं 370 से किसका लाभ हुआ? भिलवाड़ा को लाभ मिला कि नहीं? नहीं मिला। ध्यान से समझिएगा, भिलवाड़ा का आदमी वहाँ पर जमीन, ये पूछिए पहले। अब इन लोग जेपी और बीजेपी कर रहा है, हम लोग दोनों को थोड़ा साफ करेंगे इस पर। संजय मेहता के जमाने का काम है। हाँ अरे भाई कितना लोग संजय मेहता के पक्ष में है जी, संजय मेहता देख सकते हैं दोस्तों, पूरा आप लोग बूथ कैप्चरिंग किए हैं देख सकते हैं सब। 70% है भैया यहाँ से, टेंशन मत, 70% यहाँ पर जेपी केसेस है और लीड करेगा। अब इतना गारंटी देते हैं कि विष्णुगढ़ प्रखंड में टॉप रहेगा। अब विष्णुगढ़ प्रखंड जानते हैं कितना वोटिंग आएगा ना, यहाँ 28,000 से लीड करेंगे। हेलो और लाइक नहीं मिलेगा भैया तो आप कहें जाइए। तो जो हम पैसा खुद लगाए हैं, जब उसके लिए जो विदेश से पैसा भेज रहा है उसे अपना फैमिली के पास, वो अपना बचत सेविंग अकाउंट में भेजना चाहिए, वो जयराम महतो और संजय मेहता के पास भेज रहा है, वोट किसको देगा भैया? आप सोचिए, और ये समझने वाली बात है, जनता को समझने वाली बात है कि खुद जनता का पैसा से लड़ रहे हैं जो नेता सब, उसको वोट करें कि जो पैसा दे रहे हैं उसको वोट करें। बताइए, बताइए
जो पैसा ही तो आरोप लगा दिए बीजेपी के प्रत्याशी मनीष जायसवाल पे, जेपी पटेल पे, जो पैसा दे रहे हैं लोग उनको वोट करेगा कि जब जनता पैसा दे रही है, जिनको चंदा दे रही है चुनाव लड़ने के लिए उनको वोट करेगा? चंदा लेने वाला हमेशा जनता का शोषण करता है कि ये लोग जो भी बोलना है बोल ले। जेपी कैसे शोषण कर रहा है? शोषण नहीं, आने वाला सप्ताह में यदि आएगा, आने वाला दिन में, अभी हम तो बोल दे रहे हैं झारखण्ड में 14 लोकसभा सीट में बीजेपी जीत रहा है, एक चौदह में चौदह एक सीट में बीजेपी कैसे जब जीत जाएगा तो आप देख लीजिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद क्या कर लीजिएगा, चैलेंज लगा लीजिए। चैलेंज नहीं, हम चैलेंज खुला करते हैं, यदि हमारे पास दो सीट नहीं आएगा ना, जो जिसको करना हो बताइए क्या चैलेंज लगा रहे हैं, अगर नहीं होता जीत के चैलेंज आप 4 मिनट आप देख लीजिए, एक सीट में नहीं जीत पाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं भैया, हम कहते हैं कि जहां सीधा टक्कर हम बोले आपको लग रहा है दो सीट जेपी कैसे बिल्कुल बिल्कुल आपको कितना लग रहा है? एक सीट भी जेपी कैसे नहीं जीत पाएगा, ग्रीडियो नहीं, ग्रीडी भी नहीं जीत पाएगा। सही बात है, सी मरिया में तो भीड़ था और आपका सरिया में ये भीड़, मोदी जी का भीड़ का आधा भीड़ भी जयराम मातो का भीड़ नहीं था। बताइए जयराम मातो के बोल रहे कुछ भीड़ नहीं है, बिना आदमी गुलेले चल जा रहा है कि जयराम मातो आ रहा है विश्वगढ़ में, तब पता नहीं चला 5 लाख से 1 लाख आदमी कहाँ से आ गए। बताइए 4 तारीख को देख लिया मैंने, वहाँ गिरिडीह का बात चल रहा है ना, गिरिडीह तीसरा नंबर में रहे, हम तो बोलते मेरे साथ चैलेंज लगाइए आप, मैं किसी का दम तो चैलेंज लगा लीजिए। लड़ने के लिए बता रहे हैं कि नहीं, क्या लड़ने के लिए बताएगा,
क्या होता है अभी राजनीति में पहली बार आया है जयराम महतो, अभी बहुत समय लगेगा समझे न, रह गया लेकिन समय लगेगा, लेकिन आसानी नीति की बात तो 1932 कभी नहीं लागू हो सकता। वो खतियान आधारित जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से सर्वे हुआ उसे सेटलमेंट के आधार पर ही स्थानीय नीति लागू होगा। जो 1932-32 रट रहा है वो 32 सिर्फ नहीं होगा। तीन सर्वे हुआ है नहीं, वो बातें नहीं कह रहे हैं कि अभी बहुत समय लगेगा। जयराम महतो संजय महतो तो अभी बच्चा है। अच्छा बच्चा है कोई बात नहीं, बच्चा ही भविष्य बदल सकता है भैया। आपका बूढ़ा तो नहीं बदल पाए, मतलब समझ लिए यहाँ से यहाँ तक चला गया बदल नहीं पाया, अपना बेटा को ही टिकट दे रहा है। बताइए हर समय जयराम महतो बोले और जयराम महतो इतना भी बोल रहे हैं कि मेरा जिला के बाहर अगर एक भी जमीन को बता दे मेरा नाम पर तो हम उस दिन वोट नहीं दीजिए। खुला चुनौती दिया जयराम महतो, नवाब बादशाह